ये केस मैंने कांग्रेस नेत्री अलका लांबा, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की प्रियंका गांधी, तीनों के खिलाफ में मैंने माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया है। परिवाद दर्ज कराने का मुख्य कारण है कि दिनांक 25/5/2020 को अलका लांबा के द्वारा ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध। बहुत ही गलत भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और वीडियो भी पोस्ट किया है। इसी से मर्माहत होकर के व्यक्तिगत रूप से मैंने आज माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया है। किन किन धाराओं में? इसमें धारा मैंने लगाया है भारतीय दंड विधान की धारा 499, 500, 501, 503, 504, 502 का सब प्लस 2 एवं 66E इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट का, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट किया है। वो इतना गलत है और अमर्यादित बातों का उन्होंने प्रयोग किया है जो सोशल मीडिया पे बोलना उचित नहीं समझता हूं मैं। सुनवाई की अगली तारीख, और मैंने पार्टी बनाया है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को। उसके पीछे कारण है कि अलका लांबा इस तरह का माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विरुद्ध में बयान दे रही हैं, जो कि पूर्व में दिल्ली चांदनी चौक से वो विधायक भी रह चुकी हैं, अभी वर्तमान में कांग्रेस में है। तो इस तरह का जो टिप्पणी किया गया और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, उसको लेकर के पार्टी आलाकमान की ओर से उनके विरुद्ध, अलका लांबा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि इसमें जो कांग्रेस की अध्यक्षा है और एवं महासचिव है, इन दोनों की भी सहभागिता है और उनकी सहमति के आधार पर ही अलका लांबा के द्वारा इस तरह का टिप्पणी किया जा रहा है, अमर्यादित टिप्पणी किया जा रहा है। इससे मैं काफी बैस्ड हूं, काफी दुखी हूं, मर्माहत हूं। इसको लेकर के मैंने केस किया है और इस केस की अगली सुनवाई की तिथि 11/6/2020 को रखी गई है।